बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जापान ने टूरिस्ट को बैन कर दिया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पूरे जापान में टूरिस्ट बैन हो गए, तो ऐसा नहीं है। क्यों तो जिसके बारे में कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो आज हम जा रहे हैं एक क्योतो में पड़ती है यहाँ पर एक इनारी श्राइन। आज हम जा रहे हैं क्योतो और तो अभी हम है क्योतो स्टेशन में और ये वीडियो बनानी मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप जापान आ रहे हो तो क्योतो जरूर आना और क्योतो आने के बाद ये पांच जगह जरूर घूमना जिनमें से एक जगह थी गिओन। अब मैंने रखा था इस जगह को टॉप 5 लिस्ट में। आपने शायद देखा होगा लेडीज व्हाइट कलर के मेकअप में, इन्हीं को गेशा कहते हैं। तो गेशा होती है जापानीज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। और कहा था कि टूरिस्ट की वजह से गेशा को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इसीलिए 2019 में एक रूल भी बनाया था कि अगर आप गेशा की परमिशन के बिना फोटो खींचते हो तो फाइन लगेगा, वो भी 10,000 येन, मतलब ये समझ लो 6,000 रुपये के बराबर। लेकिन इस रूल से ना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं और फाइनली अब ऐसा रूल बना रहे हैं कि जिस रूल से किसी भी टूरिस्ट को खुशी नहीं होगी। गियोन में जितनी भी प्राइवेट रोड है वहां पर कर दिया गया है टूरिस्ट को बैन। यात्रियों को बैन कर दिया गया है क्योतो गेशा डिस्ट्रिक्ट की प्राइवेट जगहों से। बुरे स्वभाव के चलते क्योतो में गेशा डिस्ट्रिक्ट की कुछ जगहों से पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्योतो कोई थीम पार्क नहीं है, पर्यटकों को बोल दिया गया है प्राचीन शहर के गेशा डिस्ट्रिक्ट से दूर रहे। प्राइवेट वो रोड है जो की गवर्नमेंट नहीं वहाँ की लोकल पब्लिक या फिर लोकल ऑर्गेनाइजेशन अपनी सुविधाओं के लिए बनाती है। तो ऐसी रोड है ना आपको जापान में बहुत जगह दिख जाएगी। जैसे आप गूगल मैप में कहीं जाने के लिए लोकेशन ऐड करोगे, ये रास्ता यहाँ पे बंद किया हुआ है और गूगल मैप दिखा रहा है कि आप यहाँ घुस जाओ। और ऐसी ही बहुत सी गलियाँ हैं गियोन में जहाँ पर कि टूरिस्ट को बैन कर दिया गया है और ये रूल अप्लाई होने वाला है 1 अप्रैल 2024 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गियोन में जाने सकते हो, गियोन में जा सकते हो लेकिन जितना आपको इन गलियों के साथ गियोन लगता शायद अब उतना सुंदर ना लगे। लेकिन इसको बैन करने का ना क्या रीजन है, इसका रीजन है खुद टूरिस्ट। एक्चुअली में यहाँ पर होती है गेशा जिसके बारे में मैंने आपको पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो आप यहाँ पर ऊपर जाके देख सकते हो। और गेशा करती है यहाँ पर जॉब और जब वो जॉब पे निकलती है तो उनको काफी दिक्कतें होती है, जैसे कि टूरिस्ट उनको रोक के फोटो खिंचाने लगते हैं, किमोनो जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसको टच करने लगते हैं, जिस वजह से उनको काफी दिक्कतें होने लग गई। और कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें कि गेशा को हरासमेंट का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनके बाल खींच दिए। तो हो सकता है कि जैसे भीड़ भड़ाका है फोटो खींचते हुए किसी के हाथ लग गए और उनके बाल बाल खींच गए हों, लेकिन इस तरीके की न्यूज आई थी सामने। तो गेशा जो है वो जापानीज कल्चर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इस वजह से इस कल्चर को बचाने के लिए इस जगह में टूरिस्ट को बैन करने जा रहे हैं। ये नियम यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये बनाया है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने। तो लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत सालों से कंप्लेंट जा रही थी, जिस वजह से 2019 में उन्होंने एक नियम बनाया था अगर आप बिना परमिशन के फोटो खिंचाते हो तो फाइन लगेगा, और अब फाइनली उन्होंने टूरिस्ट को बैन ही कर दिया इस जगह से। लेकिन टूरिस्ट को लेकर कंप्लेन जापान में सिर्फ इस जगह को लेकर नहीं हुई है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर से कि टूरिस्ट को लेकर कंप्लेन होती रहती है। जैसे कि एक खबर आई थी जुलाई 2023 में, नारा का एक बहुत ही फेमस टेंपल है और वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, वहाँ पे एक कैनेडियन टीनेजर मतलब कैनेडियन नाबालिग इंसान ने उसकी दीवार पे अपना नाम गूंथ दिया था, और ये है जापान में एक बहुत बड़ा क्राइम जिसके लिए हो सकती है आपको 5 साल की जेल या फिर 3,00,000 येन का जुर्माना, 1.5 से 2 लाख रुपए के बराबर। और न्यूज़ आई थी कि उसने ये अपने नाखूनों से किया, मेरे नाखूनों में दर्द होने लगे कि उसने नाखूनों से खुरुच खुरुच के किया कैसे। तो जब ये चीज़ कर रहा था तो उस समय एक जापानीज टूरिस्ट ने उसको देखा और उस जापानीज टूरिस्ट ने स्टाफ को कंप्लेन करी, जिस वजह से उनको पता लगा। एक और न्यूज़ है जो कि अक्सर आती रहती है अराशियामा जापान के बैम्बू फॉरेस्ट से। मिमिका ने प्यार से जो भी कह दिया मैंने लिख दिया उसका नाम। यार इतनी प्यारी जगह है और टूरिस्ट क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं अपना और अपनी प्रेमिका का नाम, वो भी बड़े से दिल के साथ। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि इस जगह में भी टूरिस्ट को बैन कर दिया जाए, और ये वो दूसरी जगह है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था। और अगर इस जगह से भी टूरिस्ट को बैन कर दिया तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ही डिलीट करनी पड़ेगी। आपने लिखा कभी किसी पेड़ पे अपना या अपनी प्रेमिका का नाम, या कभी दिल बनाया हो? और इसी बीच मैंने सोचा कि क्यों ना किसी टूरिस्ट से ही बात कर ली जाए। तो अभी मैं हूँ ओसाका जापान के फेमस टूरिस्ट स्पॉट में जिसका नाम है स्काई बिल्डिंग, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, और अगर कोई मिलता है तो उनसे पूछता हूँ कि उनको कैसा लग रहा है इस तरीके से बैन लगाने पे। और थोड़ी देर के बाद मुझे मिली एक टूरिस्ट जो कि कैमरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने की सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड।
योर नेम प्लीज? टैचियाना। सॉरी फॉर माय प्रोनंसिएशन। नो प्रॉब्लम। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। इज इन सेंट्रल यूरोप। नोबडी नोज वेयर इट इज। नो। इज इन सेंट्रल यूरोप नेक्स्ट टू ऑस्ट्रिया, यूक्रेन। I know the name, but I don't know the exact position in the map. No problem, nobody knows. It's a very small country. We have like 5 million population. So regarding that Kyoto area, Gion district, banned tourists, and which has happened like yesterday, 1st April. So what is your thought on it? I think it's, I can understand that it can be annoying for those geishas. They are making like tourist attraction from it. So if you want to see it, you have to pay for it. So you are agreed with that decision, like not disturbing them and taking picture in the street? Yes, I can imagine that it can be annoying for them. Thank you so much. You're welcome. आपको क्या लगता है कि इस तरीके का डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है, या इसको करने के और भी तरीके हो सकते थे? नीचे कमेंट में बताना। तो अब बात करते हैं उस बारे में कि ऐसा क्या किया जाए कि टूरिस्ट बदनाम ना हो। तो ऊपर जो दो तीन चीज़ें डिस्कस की है, वो चीज़ें अगर आप किसी भी कंट्री में करोगे तो बदनामी तो होगी, लेकिन इन तीनों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको जापान में नहीं करनी चाहिए? तो जैसे कि हर एक देश की जो सोसाइटी होती है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे मैं भारत की बात करूँ तो वहाँ पर लोगों के साथ जो रिश्ते होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, बात करने का तरीका, सोसाइटी में आप किस तरीके से रह रहे हो वो रहने का तरीका अलग है। तो उसी तरीके से जापान की सोसाइटी है वो भी अलग है। जैसे कि यहाँ पर अगले बंदे की प्राइवेसी का बहुत ध्यान देते हैं। अगर यहाँ पर आप ट्रेन में भी जाओगे ना, ट्रेन में भी आपको कोई फ़ोन पे बात करता हुआ, चिल्लाता हुआ, यहाँ तक कि खाते पीते भी नज़र नहीं आएंगे। तो जैसे हमारे दोस्तों ट्रेनों में रिश्ते बन जाते हैं, यहाँ पर आप दोस्ती तक नहीं बना सकते। मैडम पानी चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि जैसे आप ट्रेन में सफ़र करो तो बहुत तेज़ फ़ोन पे बातें मत करो, और अगर आप दोस्तों के साथ भी जा रहे हो तो कोशिश करो कि बातों को अवॉइड करो। कहीं भी आप टूरिस्ट स्पॉट में जा रहे हो तो गंदगी मत फैलाओ। आपका जो कूड़ा है उसको होटल या रूम में लेके आओ और उसको डंप कर दो। और जैसे टूरिस्ट स्पॉट में किसी भी पेड़ पौधे फूल को तोड़ने से बचना, क्योंकि अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे तो आपको अगल बगल के लोग घूरते हुए नजर आ जाएंगे, जो कि आपको भी बहुत अनकंफर्ट लगेगा। तो मेरे साथ हुआ था ऐसा, चेरी ब्लॉसम का टाइम था और हम जा रहे थे पिकनिक करने के लिए, और मेरे एक दोस्त ने क्या करा, बहुत अच्छी टहनी थी जिसमें चेरीज के फूल खिले हुए थे, और उसने वो टहनी तोड़ दी। तो जितने भी जापानी थे अगल बगल के उन्होंने उसको घूरना शुरू कर दिया। मतलब उनके लिए ये बहुत अनकॉमन है कि मतलब इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हो, नेचर को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एक और चीज़ है जो कि आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में मत करना, तो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ पर भीड़ होती है। तो जैसे सपोज़ कि आप टिकट काउंटर की लाइन में खड़े हो रखे हो तो लाइन को ब्रेक मत करना। ऐसे नहीं कि भाई वहाँ से निकल के आप आगे निकल के या फिर डायरेक्ट काउंटर पर चले गए कि भैया मुझे दे दे पहले। मैंने आज तक किसी भी जापानीज़ को लाइन ब्रेक करते हुए नहीं देखा है, और इस तरीके की लाइनें आपको हर जगह मिलेंगी, सुपरमार्केट हो चाहे कन्वीनियंस स्टोर हो। ऐसा नहीं होता कि काउंटर पे ही तीन चार बंदे खड़े हो रखे हैं, भैया मेरा सामान कर रहे हैं। सबके सब लाइन से खड़े होते हैं और एक एक करके सबका नंबर आता है। और ये सेम चीज़ आपको टूरिस्ट स्पॉट पे भी मिलेगी। वैसे यार देखो, ये जापानी लोगों को भी पता होता है कि टूरिस्ट है तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि उनको जापान के रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता है। तो छोटी मोटी जो गलतियाँ होती है इसको जापानी लोग भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक सिंपल सा रूल है जो कि आपको अगल बगल के लोग या फिर जो भी आपको जापानीज़ लोग करते हुए दिख रहे हैं उसको एज इट इज़ फॉलो कर लो। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भी अगर कोई जूते लेके मंदिर में चला जाए तो हमें भी अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कल्चर में इस तरीके से जूते लेके आप उनके धार्मिक जगहों पर जा सकते हो। क्योंकि जब आप अपने देश से निकल के दूसरे देश में जाते हो ना, तो आप सिर्फ खुद को नहीं पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो आपकी एक गलती से ना पूरा का पूरा देश बदनाम हो जाता है। और जब मैं भारत से बाहर निकला ना, तब जाके मुझे ये बात समझ में आई।